मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समार्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमशम दिलराजू की बेटी और भतीजी हस्तिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वेन लड्डी और एल है वहीं इसका लेखक वेनु डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रियादर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गुंडा माज़ियम हैं। वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करें तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक उन्तीस मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट 50 करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथु और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में है वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गाँव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वही सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रेक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस आ जाती है जिससे 20 साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफी ज्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और वहीं सेल्यू की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बात होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियू की पिता के बारे में बात करें तो वह काफी बेहतरीन है वहीं सेलियू की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलरिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिससे शादी टूट गई सलियू को पता चलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति और है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता और नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्मस और असाया की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया है। जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के परिवारिक को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मुगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सॉल्यू को धर्वान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाव करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्युरु और को परेशान करने के लिए कहा क्योंकि वो क्रॉप्स चचेरे भाई हैं और सेलरियू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण सामा तांता एलेरिया के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को ज़मीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में जमीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है कि ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्युओं का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में है और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्युकस बीस हाँ साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियो से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिय दर्शनी गुजला सेल्यू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में काव्या कल नारायण है वहीं सुधा रेडी सेलू के दादा गजला कोमुर रोमिया के रूप में वहीं कोडा जयराम और गुजला एल्यू सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण से लुकुस की मां के हैं वहीं मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वहीं लक्ष्मी के रूप में आसुदा वहीं शाहक के रूप में विशाकर कल्लामून है वहीं साउंड एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वहीं आदित्य म्यूजिक ने तीन ट्रक बालू पूरा एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना पलू लेरु 6 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के तीन मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि एक सौ तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया कि बालगांव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यवसाय के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के लघु बंदी नेवी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक जबरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया कि इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहां पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बतलाया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब मूवी है कहा गया कि आप फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का है जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे श्रोक के साथ बताया जाता वहीं दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था दिलराजू फिल्म की बात करें तो यह सूचीपूर्ण नहीं है और इसे अध्यात्मित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें भीष्म साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एनरॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वाली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलयती पोड़ाविरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा गायिका है वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की माँ को एक के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद और ओक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर सनसनी बन गए हैं वही फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला अम्बयाराम में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने गृहनगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षाओं में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पका पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से के निर्माण में पहुंचने का विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्य नारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वहीं तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुद्धम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वही काम के प्रस्तुत विषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम मोती द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओ राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीष्म के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पुनवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और राम मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद का वहीं कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेज़ी में मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समार्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत दिल दिलराजू की बेटी और भतीजी हस्तिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वेन लड्डी और एलईडी है वहीं इसका लेखक वेनु डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रियादर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गुंडा माज़ियम हैं। वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करें तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट 50 करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथु और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में हैं वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा का कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वही सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना लघु स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रीक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस जाती है जिससे 20 साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफी ज्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और वहीं सेल्यू की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बातें होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि है उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियू की पिता के बारे में बात करें तो काफी वह काफी बेहतरीन है वहीं सेलियू की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलरिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिससे शादी टूट गई सलियू को पता चल बोलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति और है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता और नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्मस और साया की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है इसीलिए सरपंच कोमरिया के पारिवारिक को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मुगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सॉल्यू को धर्वान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाव करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्यूरू और को परेशान करने के लिए कहा है क्योंकि वो क्रॉप्स चचेरे भाई हैं और सेलरियू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण सामातांता एलरिया था के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में जमीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलियू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ, साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियो से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता है भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिय दर्शनी गुजला सेलू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में काव्या कल नारायण है वहीं सुधा रेडी सेलू के दादा गजला कोमुर के रूप में वहीं कोडा जयराम और गुजला एल्यू सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण से लुकुस की माँ के है वही मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वही लक्ष्मी के रूप में आसुदा, वही शाहकुर के रूप में विशाकर कलामून है वही सांड एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वही आदित्य म्यूजिक ने तीन रकबालू पूरा साउंडट्रैक एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना ओरू पर लेरू 6 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के 3 मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि 123 तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया कि बालगांव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यवसाय के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के बंदी नेवी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक जबरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया है कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहाँ पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बतलाया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि यह फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे के साथ बताया जाता वही दिलराज प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था दिल राजू फिल्म की बात करें तो यह सूची नहीं है और इसे अध्यात्मित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें भीष्म साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एंड्रॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वाली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलयती पोडावीरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा गायिका है वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद और ओक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर सनसनी बन गए हैं वही फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला बार में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने गृहनगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षा में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पका पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से के निर्माण में पहुंच क्या विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्य नारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वहीं तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुद्धम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वहीं काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम मोती द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओ राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीष्म के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पुनवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और राम मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद का वहीं कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेज़ी में तो मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समर्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमशम दिलराजू की बेटी और भतीजी हंसिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वेन लड्डी और एल है वहीं इसका लेखक वेनू डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफी बेहतरीन है और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया हर रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रिया दर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गोंडा माजम है वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करे तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट पचास करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथू और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में है वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा का कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वही सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना लघु स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रेक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस जाती है जिससे बीस साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफी ज्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और वहीं सेल्यू की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बातें होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियू की पिता के बारे में बात करें तो वह काफी बेहतरीन है वहीं सेलियू की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलरिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिससे शादी टूट गई सलियू को पता चल बोलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति और है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण कर नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वही खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्मस और असाया की किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के परिवार को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मोगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सॉल्यू को धर्वान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाव करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्यूरू और को परेशान करने के लिए कहा क्योंकि वो क्रॉप चचेरे भाई हैं और सेलरियू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण तांता एलरिया के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में ज़मीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलियू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियों से सुरक्षित देखा जाता अंत में कोवे को भेजा जाता और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिया दर्शनी गुजला के सेलू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में काव्य नारायण है वहीं सुधा रेड्डी सेलू के दादा गजुला कोमुर रोमिया के रूप में वहीं कोडा जयराम और गुजला सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण से लुकुस की माँ के है वही मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वही लक्ष्मी के रूप में आसुदा वही शाहकुर के रूप में विशाकर कल्लामून है वही सांड एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वही आदित्य म्यूजिक ने तीन रक बालू पूरा साउंड अटैक एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना ओ रूप लेरू 6 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के 3 मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि 123 तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया कि बालगांव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यवसाय के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के बंदी नेवी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक ज़बरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहां पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि आप फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का है जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे श्रोक के साथ बताया जाता वहीं दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था दिल राजू फिल्म की बात करें तो यह सूचीपूर्ण नहीं है और इसे अध्यन्मित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें भीष्म साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एनरॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वावली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलयती पोड़ाविरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबड़ा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया है कि जैसा गायिका है वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद और ओइक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर सनसनी बन गए हैं वही फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला बार में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने गृहनगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षा में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पका पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से के निर्माण में पहुंच क्या विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्य नारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वही तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुधम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वहीं काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम राममुती द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओई राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीष्म के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पुनवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और राम मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद का वहीं कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेज़ी में मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समर्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमशम दिलराजू की बेटी और भतीजी हंसिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वेन लड्डी और एलईडी है वहीं इसका लेखक वेनु डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रियादर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गुंडा माझम हैं। वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करें तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट 50 करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथु और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में है वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा का कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वहीं सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना लघु स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रेक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस जाती है जिससे बीस साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफी ज्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और वहीं सेल्यू की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बात होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियू की पिता के बारे में बात करें तो वह काफी बेहतरीन है वहीं सेलियू की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलेरिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिससे शादी टूट गई सलियू को पता चल है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति और है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह हम ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पाँचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलेरिया द्वारा अपमानित होने के लिए ये कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता और नरसी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त सफलतापूर्वक आज दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्मशक्ति और असाया की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया है जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के पारिवारिक को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मुगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सोलू को धर्वान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाप करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्युरु और को परेशान करने के लिए कहा है क्योंकि वो क्रॉप्स चचेरे भाई हैं और सेलरियू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण सामा तांता एलेरिया था के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में ज़मीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियों से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिय दर्शनी गुजला के सेलू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में काव्या नारायण है वहीं सुधा रेडी सेलू के दादा गजला कोमुर के रूप में वही कोडा जयराम और गुजला एलयू सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण सेल्यूकस की मां के हैं वही मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वही लक्ष्मी के रूप में आसुदा वही शाहकुर के रूप में विशाकर कल्लामून है वही साउंड एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वही आदित्य म्यूजिक ने तीन रक बालू, पूरा एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना पलू छ दो फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था। वहीं बलगांव के तीन मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि एक सौ तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया कि बालगांव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यावसायिक के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के लघु बंदी भी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक ज़बरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया कि इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहां पीछे में एक में एक बुजुर्ग के रूप दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बतलाया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि अब फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का है जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे श्व के साथ बताया जाता वहीं दिल प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था दिलराजू फिल्म की बात करें तो यह सूचीपूर्ण नहीं है और इसे अध्यात्मित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एनरॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वाली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलियति पोडावीरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा गायिका वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद और ओईक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर सनसनी बन गए हैं वही फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला बार में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम सिसोर लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने गृहनगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षाओं में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पका पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से भीष्म के निर्माण में पहुंच पहुंचने का विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्य नारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वही तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फ़िल्म के लिए संगीतकार आयुधम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वही काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंट्रुल सुंदर राम मोती द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओई राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीष्म के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पुनवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और राम मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद का वहीं कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेज़ी में मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समर्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने की ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमसम दिलराजू की बेटी और भतीजी हस्तिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वे लड्डी और एलईडी है वहीं इसका लेखक वेनू डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रिया दर्शनी, कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गुंडा माजम है वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करें तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट 50 करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथु और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में है वहीं बलगाँव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा का कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वहीं सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रिक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस जाती है जिससे 20 साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफी ज्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन है और वहीं सेलो की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बात होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियू की पिता के बारे में बात करें तो वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं शैलियों की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलेरिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिससे शादी टूट गई शैलियों को पता चलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़ कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता और नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्म सा... और असाया की किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के परिवार को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मोगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सॉल्यू को धर्वान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाप करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्युरु और को परेशान करने के लिए कहा है क्योंकि वो क्रॉप्स चचेरे भाई हैं और सेलरियू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण रामा तांता एलरिया था के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में ज़मीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियों से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिया दर्शनी गुजला के सेलू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में काव्या कल नारायण है वहीं सुधा रेडी सेलू के दादा गजला कोमुर के रूप में वहीं कोडा जयराम और गुजला एल्यू सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण से लुकुस की माँ के हैं वहीं मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वहीं लक्ष्मी के रूप में आसुदा, वहीं शाहक के रूप में विशाकर कल्लामून है वहीं साउंड एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वहीं आदित्य म्यूजिक ने तीन पूरा एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना पलू छ दो फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के तीन मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि एक सौ तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया थी बालगांव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यावसायिक के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के लघु ने भी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक ज़बरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहाँ पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि आप फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का है जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे सरोग के साथ बताया जाता है वहीं दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था दिल राजू फिल्म की बात करें तो यह सूचीपूर्ण नहीं है और इसे अध्यमित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें भीष्म साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एनरॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वाली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलियति पोडावीरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा गायिका वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद और ओइक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर शी बन गए हैं वहीं फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला बार में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने नगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षाओं में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पका पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से भीष्म के निर्माण में पहुंच पहुंचने का विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्य नारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वहीं तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुधम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वही काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम मोती द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओई राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीष्म के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पुनवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और राम मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद का वहीं कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेज़ी में मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समर्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने कि ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमशम दिलराजू की बेटी और भतीजी हस्तिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वेन लड्डी और एलईडी है वहीं इसका लेखक वेनु डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रियादर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गुंडा माजम है वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करें तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट 50 करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथु और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में है वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों का द्वारा निर्देशित पाठकथा कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वहीं सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना लघु स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रेक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कुमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस जाती है जिससे 20 साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और वहीं सेल्यूक की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बात होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियू की पिता के बारे में बात करें तो वह काफ़ी बेहतरीन है वहीं शैलियों की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलेरिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिससे शादी टूट गई सलियू को पता चलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़ कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता है और नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्म सा... और असाया की किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के परिवार को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मोगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सॉल्यू को धर्वान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाप करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्युरु और को परेशान करने के लिए कहा क्योंकि वो क्रॉप चचेरे भाई हैं और सेलरयू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण रामा तांता एलरिया था के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में ज़मीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियों से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता है और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिया दर्शनी गुजला के सेल्यू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में नारायण है वहीं सुधा रेड्डी सेलू के दादा गजला कोमुर के रूप में वहीं कोडा जयराम और गुजला एल्यू सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण से लुकुस की माँ के है वहीं मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वहीं लक्ष्मी के रूप में आसुदा वहीं शाहकुर के रूप में विशाकर कल्लामून है वहीं सांड एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वहीं आदित्य म्यूजिक ने तीन पूरा एल्बम जारी किया था। फिल्म का पहला गाना पलू छ दो फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के तीन मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि एक सौ तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया कि बालगांव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यावसायिक के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के लघु ने भी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक ज़बरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहाँ पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि आप फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का है जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे सरोग के साथ बताया जाता वहीं दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था दिलराजू फिल्म की बात करें तो यह सूचीपूर्ण नहीं है और इसे अध्यमित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें भीष्म साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एनरॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वाली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलियति पोडावीरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा गायिका वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक विनर्म श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद फिल्म के लिए और ओइक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर शी बन गए हैं वही फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम सीसो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला बार में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने गृहनगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षाओं में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पका पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से भीष्म के निर्माण में पहुंचने का विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्यनारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वहीं तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुधम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वही काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम मोती द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओई राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीष्म के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पुनवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और राम मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद का वहीं कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेजी में मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समर्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानिए कि ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमशम दिलराजू की बेटी और भतीजी हस्तिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वे लड्डी और एलईडी है वहीं इसका लेखक वेनु डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रिया दर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गोंडा माजम है वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफी फिल लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करें तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट पचास करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथू और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में है वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वहीं सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना लघु स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रिक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस आ जाती है जिससे 20 साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार तिरस्कार किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और वहीं सेल्यूग की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बातें होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियु की पिता के बारे में बात करें तो वह काफी बेहतरीन है वहीं सेलियो की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलरिया और उसके माता-पिता के बीच बात हुई जिससे शादी टूट गई सेलियो को पता चलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़ कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता और नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण और सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्मशक्ति और असाया की किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया है जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के पारिवारिक को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मुगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सॉल को धवान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाव करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेलुरु और को परेशान करने के लिए कहा क्योंकि वो क्रॉप्स चचेरे भाई हैं और सेलरियू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण रामा तांता एलेरिया के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में ज़मीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियों से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता है और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिया दर्शनी गुजला के सेल्यू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में नारायण है वहीं सुधा रेडी सेलू के दादा गजला कोमुर के रूप में वही कोडा जयराम और गुजला एल्यू सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण से लुकुस की माँ के हैं वहीं मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वहीं लक्ष्मी के रूप में आसुदा वहीं शाहक के रूप में विशाकर कल्लामून है वहीं साउंड एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वहीं आदित्य म्यूजिक ने तीन रकबालू पूरा साउंड टैक एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना ओरू पल्लेरु 6 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के 3 मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि 123 सौ तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया कि बालगांव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यावसायिक के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के लघु बंदी ने भी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक ज़बरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहाँ पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि आप फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का है जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे श्ररोग के साथ बताया जाता वहीं दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था फिल्म की बात करें तो यह सूचीपूर्ण नहीं है और इसे अध्यमित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें भीष्म साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एनरॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वाली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलयती पोडावीरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा गायिका वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद फिल्म के लिए और ओइक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर शी बन गए हैं वही फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला अम्बयराम में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने नगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षाओं में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से भीष्म के निर्माण में पहुंचने का विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्यनारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वहीं तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुधम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वही काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम राममुती द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओई राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीषम के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पूर्णवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और राम मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद कावाई कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेजी में मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समार्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने कि ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेणुन और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमशम दिल राजू की बेटी और भतीजी हस्तिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वे लड्डी और एलईडी है वहीं इसका लेखक वेनु डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्तिया रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रियादर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गोंडा माजम है वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करें तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वहीं संपादक मधु है वहीं इसका छाया आचार्य वेणु है वहीं इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट 50 करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथु और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में है वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा का कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वहीं सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना लघु स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रेक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस आ जाती है जिससे 20 साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार कारण किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के में दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफी ज्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और वहीं सेलो की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बात होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलयू की पिता के बारे में बात करें तो वह काफी बेहतरीन है वहीं सेलियो की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलरिया और उसके माता-पिता के बीच बास हुई जिससे शादी टूट गई सेलियो को पता चलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति और है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवें दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वहीं आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़ कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता और नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्मशक्ति और असाया की किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया है जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के पारिवारिक को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मुगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सोलू को धवान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाव करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्युरु और को परेशान करने के लिए कहा क्योंकि वो क्रॉप्स चचेरे भाई हैं और सेलरियू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण रामा तांता एलरिया था के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में ज़मीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ, साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियो से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता है और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिया दर्शनी गुजला के सेलू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वही संध्या के रूप में नारायण है वही सुधारेडी सेलू के दादा गजला रोमिया के रूप में वही कोडा जयराम और गुजला एल्यू सेलुकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वही कोमजू सुजात के रूप में नारायण सेलुकुस की मां के है वही मुरली गोंडा नारायण के रूप में संध्या के पिता है वहीं लक्ष्मी के रूप में आशुदा वहीं शाहक के रूप में विशाकर कल्लामून है वहीं साउंड टैक एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वहीं आदित्य म्यूजिक ने तीन ट्रकबालू पूरा साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना और पल्लेरु छः फरवरी दो को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के तीन मार्च दो 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि 123 तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया थी बलगाँव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यवसाय के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हैं दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के लघु बंदी ने, भी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रिय दर्शनी और काव्या कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से, से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक ज़बरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहाँ पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि आप फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का है जो काफी ज्यादा दर्शकों को रोचक किया गया वहीं ग्यारहवें दिन पूरे सरोग के साथ बताया जाता है वहीं दिलराजू प्रोड्यूसर के तहत इस फिल्म को लॉन्च किया गया था फिल्म की बात करें तो यह सूचीपूर्ण नहीं है और इसे अध्यमित करने की आवश्यकता नहीं है यह कंपनी है जहां 2003 से ही इसमें फिल्मों को रिलीज करने की कार्यक्रम चल रही है बताया जाता है इसमें भीष्म साहनी को द्वारा संगीत को दिया गया है जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एनरॉक के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वाली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलयती पोडावीरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा है वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद फिल्म के लिए और ओइक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर शी बन गए हैं वही फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला बार में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने नगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षाओं में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री के पगा पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से भीष्म के निर्माण में पहुंच पहुंचने का विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्यनारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वहीं तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुधम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वही काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम राममुति द्वारा ट्रैक ऑफ द गया है वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओई राजू के कन्नूर में से भीम को मिलती है पहचान भीषम के साथ मानना था कि इस ट्रैक के साथ उन्होंने अपनी प्रशंसा फिल्म के संगीत की रचना की निर्माताओं के निर्देशन में संपर्क किया जारी किया और जो दुर्भाग्य से काम के अवसर परिवर्तन आए आयुधमान के लिए काम करने के लिए भीष्म को संपत्ति नंदनी के बारे में बतलाती है और कहती है कि इसके बाद भीम संपत्ति के लिए काफ़ी कुछ बतलाते हैं जहाँ पर देखा जा सकता है कि यह फिल्म काफ़ी लाजवाब है वहीं बातचीत के दौरान इस फिल्म को काफ़ी कुछ दिखाया गया वहीं एमरजेंसी के द्वारा परिस्थिति कारण को बंद करने के लिए अपनी अगली फिल्मों में रचा के साथ इसी तरह की इनपुट के साथ संपत्ति की मदद की जो हालांकि काम के अवसर में परिवर्तन नहीं हुई फिल्म के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ पुनवृत्तों की एक श्रृंखला के बाद जो काम नहीं किया जो उपयुक्त झटके पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भीष्म ने सिनेमाओं घरों के आगे बढ़ने का फैसला किया और मुंदरी के लिए एक कॉलेज से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए चले गए जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम करने के बाद का वहीं कार्तिक के विश्वविद्यालय अंग्रेजी में तो मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम बलगांव है इसका अनुवाद और रिश्तेदार समूह समार्थन 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की परिवारिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें एक्ट्रेस कौन है और अभिनेत्री कौन है वहीं इसमें प्रमुख रूप से इस फिल्म को इसका निर्देशक कौन है सारी बारीकी से जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे यह भी जानने कि ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मूवी को क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं इस मूवी की स्टोरी कैसी है और यह मूवी कैसी है तो आइए शुरू करते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बलगांव का अनुवाद रिश्ता समूह समर्थन का एक 2023 की तेलुगु भाषाई पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे अभिनेत्रा वेनून और येल दंडी ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशन किया है यह दिल राजू प्रोड्यूसर के तहत क्रमशम दिलराजू की बेटी और भतीजी हस्तिया रेड्डी और हर्षित रेड्डी के द्वारा किया गया है वहीं इसमें निर्देशक की बात करें तो वे लड्डी और एलईडी है वहीं इसका लेखक वेनु डड्डी है वहीं इसका उत्पादक हर्षित के द्वारा किया गया और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और यह लाजवाब मूवी है बात करें तो इसमें संपादक की और तो इसमें हर्षित और हस्ती हर रेड्डी है वहीं इसमें अभिनेता के रूप में प्रियादर्शनी कल्याण कुमार राम और सुधा रेड्डी और कोटा जयराम मुरलीधरन गोंडा माजम है वहीं इसमें छाया खान की बात करें तो यह फिल्म काफी लाजवाब रही होगी और यह फिल्म बात करे तो यह इसमें संगीत को भीषम सिकोरिया ने दिया है वही संपादक मधु है वही इसका छाया आचार्य वेणु है वही इसका प्रोड्यूसर कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर कंपनी है वहीं इसकी रिलीज की तारीख तीन मार्च 2023 को रखा गया था और इसका कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया था यह भारत के तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर लागत बजट पचास करोड़ के साथ आई थी जो एक भारी भरकम बजट था फिल्म में प्रिया दर्शनी काव्या और कल्याण राम सुधा रेड्डी वहीं कोडा जयराम माइथू और मुरलीधरन गोंडा के प्राथमिक भूमिकाओं में हैं वहीं बलगांव को तीन मार्च 2023 को रिलीज किया गया था जिसमें मुख्य कलाकारों द्वारा निर्देशित पाठकथा का कहानी और अभिनय प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली गुजला के कौमी रिलिया एक बुजुर्ग व्यक्ति तेलंगाना ने अपने गांव में एक बड़े बेटे एलोरिया बहुत स्वरूपों और पोते सयूल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है वहीं सोल्यू जो जल्द ही शायद शादी करने के लिए तैयार है अपने दहेज का उपयोग करने की योजना बना रहा है वहीं पंद्रह लाख रुपए का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने गांव में अपना लघु स्तरीय व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया है जो असफल साबित हुआ हालांकि उसकी दुनिया उल्टी हो जाती है जब को और रोमिया की अप्रेक्षता रूप से मृत्यु हो जाती है तो जिससे उसकी शादी अनिश्चितताओं कालों के लिए स्थगित हो जाती है क्योंकि एक उपनाम के परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वार्षिक के भीतर किसी भी उत्सव या धार्मिक योजनाओं को करना अशुभ माना जाता है कोमरिया के गुजरने से उनकी प्रतिष्ठा बेटी लक्ष्मी वापस आ जाती है जिससे 20 साल तक अपने पिता नारायण के रूप में अपने परिवार में दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता है वह एलिया और बाद में छोटे भाई मोगनिया के साथ कोमरिया पर पारंपरिक रूप से उनके बेटे द्वारा अंतिम संस्कार कारण किया जाता है नारायण से अनुरोध किया जाता है कि स्थापित रीति रिवाज अनुसार कौमियों के ग्यारहवें दिन लक्ष्मी उनकी बेटी के बारे में बताए लेकिन यह नहीं पता चलता है जिसके बाद बताया जाता है कि वह काफी ज्यादा नाखुश दिखती है वहीं बात करें तो इस फिल्म की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और वहीं सेलो की मंगेतर का उसका कुंडली को रमिया की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया जान के बाद परिवार के लिए अनुभव करने बात होगी जो यह आरोप लगाया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप एलिया और उसके माता पिता के बीच बहस हुई जिसके शादी टूट गई सलियु की पिता के बारे में बात करें तो वह काफी बेहतरीन है वहीं शैलियों की मंगेतर की बात करें तो वह उसकी कुंडली और रमिया की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने के बाद अशुभ होने का आरोप लगाया गया जिसके बाद परिणाम स्वरूप एलरिया और उसके माता-पिता के बीच बास हुई जिससे शादी टूट गई शैलयू को पता चलता है कि नारायण इकलौते बेटी के साथ एक धनी व्यक्ति और है जो इसीलिए बाद में पति और उसकी सारी संपत्ति को विरासत मिलेगी वही संध्या को केवल फटकार लगाने के लिए लुभाने लगता है वहीं तीसरे दिन परंपराओं के अनुसार कोमरिया की आत्मा को और उसके प्रस्तुत किए गए भोजन का एक कोवा खिलाया जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता है बल्कि यह करना चाहता है कि नारायण के पांचवे दिन उसकी घटनाओं और अंजाम देते हैं केवल असफल होने और एलरिया द्वारा अपमानित होने के लिए कहा गया वही आगमी नतर्क में एलेरिया और नारायण ने एक दूसरे कॉलर पकड़ कर और एक कुल्लर के नारायण अपने परिवार के साथ निकल जाता है और नर्सी के लिए दर्जी जो कोमरिया के बारे में बात करता वहीं खुद को जिम्मेवार मानता है क्योंकि उसने मजाक में उसकी मौत की कामना की थी बीमार पड़ जाता है वहीं कोमरिया की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को साथ परिवार को वापस ले जाया जाता है इसके इर्द से सलू से फायदा उठाने का फैसला करता है वह और उसका दोस्त गांव के केंद्र में एक दूसरे के साथ बहस करने का नाटक करते हैं वहीं सलुरु का दोस्त ग्रामीण सफलतापूर्वक विश्वास दिलाता है कि चूंकि कोमरिया की आत्म सा... और साया की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है इसीलिए दोनों दिनों में कोवा भोजन के लिए गया है जिससे गांव में सभी दुर्घटना गांव का सरपंच कोमरिया के पारिवारिक को एक पंचायत में आमंत्रित करता है वह ग्यारहवें दिन तक अपने इच्छाओं को पूरा करके कोमरिया की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए एलेरिया मुगनिया और नारायण को आदेश देता है यदि नहीं हो तो सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे तय करना होगा कि संध्या से सॉल्यू को धर्वान दिया गया जिसके बाद उसने अपने परिवार को वापस देने के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया एलरिया लक्ष्मी के प्रति अपने स्नेह के बारे में याद दिलाती है जब कोमरिया की बहन संध्या को उनके बचपन की एक कहानी सुनाती है जैसे ही एलेरिया और नारायण स्पष्ट रूप से मेल मिलाव करते हैं कोमरिया के भाई ने सेल्यू से संध्या आज से शादी करने का सुझाव सेल्यूरू और को परेशान करने के लिए कहा क्योंकि वो क्रॉप्स चचेरे भाई हैं और सेलरयू ने हमेशा इस वैवाहिक गठबंधन की कामना की थी नारायण रामा तांता एलेरिया के साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखने के लिए सक्षम रही और बताया जाता है कि हालांकि तनाव तब फिर से पैदा हो जाता है जब मोगलिया की पत्नी कोमरिया की कब्र से उसे पसंदीदा स्थान पर बनाए जाने पर आपत्ति जताती है क्योंकि वह अपने भाई को जमीन बेचने की योजना बना रही है और बाद में ज़मीन कब्र को स्वीकार करने से इनकार कर देती है यह एक तर्क है की ओर से बताया गया है कि कोमरिया के भाई ने कोमरिया के बेटे को अपने पिता के बारे में परेशान ना करने और अपने स्वयं के हितों के लिए उनकी मृत्यु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई सोलू को हमेशा पैसे के लिए चिंता होती थी पछतावे में और उससे अपने दादा की मृत्यु पर गहरा शौक मानता था वहीं ग्यारह दिन पूरे परिवार में एक भाग्यपूर्ण प्रसंग होता है वहीं सेल्यूकस बीस हाँ साल पहले परिवार की तस्वीर लाता है जो नारायण और एलेरिया के तर्क के ठीक पहले क्लिक किया गया है जिसके कैमरियो से सुरक्षित देखा जाता है अंत में कोवे को भेजा जाता है और भोजन करते वह यह दर्शाया जाता है कि कोमरिया की आत्मा संतुष्ट पूरा परिवार आखिरकार मिल मिलने से मिल जाता है वहीं प्रिया दर्शनी गुजला के सेल्यू कोमरिया के पोते के बारे में बात करती है वहीं संध्या के रूप में नारायण है वहीं सुधा रेडी सेलू के दादा गजला कोमुर के रूप में वहीं कोडा जयराम और गुजला एल्यू सेल्यूकस के पिता कोमरिया के बड़े बेटे के रूप में वहीं कोमजू सुजात के रूप में नारायण से लुकुस की मां के मुरली गोंडा नारायण के के रूप में संध्या के पिता है। वहीं लक्ष्मी के रूप में आसुदा, वही शाहकुर के रूप में विशाकर कल्लामून है वही सांटैक एल्बम भीषण सोरिया द्वारा रचित है जिसमें कस्मा श्यामा द्वारा लिखित गया था वही आदित्य म्यूजिक ने तीन बालू, पूरा एल्बम जारी किया था फिल्म का पहला गाना पलू छ 6 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था वहीं बलगांव के तीन मार्च 2023 तक हुई थी फिल्म के प्रीमियम 24 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो के स्पाइड साउथ भारत से बाहर ले गया था बताया जाता है कि एक सौ तेलुगु में से तीन सितारे दिए गए और लिखा गया कि बालगाँव मानवीय मूलों और भावनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाने का एक वास्तविक प्रयास है जो किसी भी व्यवसायिक के सामग्री रहित फिल्मों के लिए तुरुप के प्रतीत प्राकृतिक गांव का माहौल रहित फिल्मों में बताते हुए दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन और भावनाओं के दृश्य संतुष्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के लघु ने भी ने जीवन की कहानी का ईमानदारी टुकड़ा द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आलोचना लेखन उल्लेखन ने किया कि प्रियदर्शनी और काव्य कल्याण नारायण के अभिप्रदर्शन के साथ करते हैं वहीं फिल्मों की रचनात्मक और तकनीकी टीम को विशेष रूप से आवश्यक है बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इसमें बहुत कुछ बतलाती है वही बात करें तो वेन लड्डी की तो यह इनके नाम से जाना जाता है और भारतीय कॉमेडियन निर्देशक उन्होंने तेजा निर्देशन फिल्म के निर्देशन 2004 में तेलुगु के साथ जबरदस्त ओपनिंग शुरुआती गई वेणु की 2000 से छोटी भूमिका में अभिनय कर रहे हैं उन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया सॉरी 2000 से ज़्यादा काम किए हैं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन है वहीं इसमें यह एक ज़बरदस्त कलाकार भी है और बताया गया कि यह काफ़ी बेहतरीन अपने फिल्म को लेकर बतलाते हैं इसकी एक्टिंग से दर्शक खूब इसको पसंद भी करते हैं बताया गया है कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है इसकी पोस्टर कुछ इस प्रकार लुक किया गया जहाँ पीछे में एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया वहीं सुधा रेड्डी और कोडा जयराम मुरलीधरन माधु में से तीनों को दिखाया गया वहीं बतलाया जाता है कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन और यह काफी लाजवाब मूवी है कहा गया कि यह फिल्म की बात करें तो यह इसमें प्रमुख रूप से ज्यादातर दृश्य ऐसे जगहों का

जो भीम को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है और शैली के रूप में उत्कृष्ट सांस्कृतिक लोक कथाओं से मिलती जुलती है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिम भक्ति गायक के एन्द्रॉ के कुल बहुमुखी तेलुगु गायक के नोगेल स्वावली रेडी द्वारा गाए गए थे एकल एकलियति पोडावीरी मनीष के लिए गीत लिखे गए थे उन्होंने यह संगीत ट्रैक 2000 के माध्यम से किया गया था वहीं कोविड नाइन्टीन महामारी अगस्त 2020 के दौरान तत्कालीन वर्तमान में आर्थिक स्थिति गबरा गई थी जिससे वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा वहीं मुद्दों के बारे में लिखा गया कि जैसा गायिका है वैसी ही खुद को कहता है यह एक ट्रैक प्राकृतिक और मानवता की मां को एक विनम श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है वह आयुमंद फिल्म के लिए और ओइक राजू के संगीत के रूप में राजनोत्तर सनसनी बन गए हैं वहीं फिल्म तेलुगु में प्रारंभिक भीषम शीशो और लिया का जन्म तेलंगाना राज्य के तत्वकालीन खमन जिले के गरला बार में मुख्य रूप से कृषि परिवार में हुआ था जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी वहीं उनकी अंतिम नाम लिया उनके पिता द्वारा जोड़ा गया था विज्ञान और दर्शक ने उनकी गहरी रुचि देखते हुए विशेष रूप से सिसोरिया और गोलरिया के कार्यों में अपनी शुरुआती किशोर अवस्था में भीम अपने गृहनगर में सामाजिक आंदोलन के प्रति उत्सुक थे उसके बारे में कहते हैं कि उसने उन्हें सबसे संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया वहीं आठवीं कक्षाओं में भीम के गीत को लिखने के लिए क्रमबंद हो गए बताया जाता है कि संगीत करना और अधिकांश लेखन के प्राकृतिक सौंदर्य को समकालीन विषयों पर आधारित था और उन्होंने कई संगीतों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था जिसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था वर्षों बाद भीम को खमम के डिग्री पगा पीछा करने के लिए आ गया वहीं 2002 की शुरुआती में भीष्म से अपने काम को पेश करने के लिए तेलुगु फिल्मों से भीष्म के निर्माण में पहुंच पहुंचने का विचार करते हैं साथ ही हैदराबाद और उसकी लिए रचना करने का अवसर हासिल करने की कोशिश की गई उन्होंने तेलुगु फिल्मों में निर्देशन तेजा से संपर्क करने का फैसला किया जैसा ही उनका मानना था तेजा उनमें से दरवाजे महेश नर के आने वालों में से खुले रहते थे हालांकि वह निर्देश तेजा के संपर्क में सक्षम नहीं थे लेकिन अपने सहयोगी निदेशकों में से एक सूर्य नारायण राजू को अपना काम पेश करने में सफल रहे उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपने एक गरीबी सहयोग तक पहुंचाने में मदद की जो बाद में भीम को पहुंचाने में मदद करेगी वहीं तेलुगु फिल्म के निर्देशन में एन शंकर जो उस समय के आयुत्थम फिल्मों में काम कर रहे थे वहीं तेलुगु फिल्म निर्देशन एन शंकर ने भीम के काम के लिए सराहना की और छः महीने बाद 2003 में उनके संपर्क में आए जब भीम को पता चला कि फिल्म के लिए संगीतकार आयुधम वेद्यात्मक श्रीनिवास ने जिनसे भीम के सफल होने के कारण बताए वहीं काम के प्रस्तुत भीषम स्वयं रंतुल्ला के बारे में बतलाते हैं वहीं बताया जाता है कि काफ़ी बेहतरीन और संस्करण के लिए वेंटरूल सुंदर राम राममुति द्वारा ट्रैक ऑफ द लिखा गया वहीं निम्नलिखित अवसर के संक्षिप्त झटका आयुत्मान के ओई राजू के कन्नूर